तो ये आप देख सकते हैं कि छात्रों की भीड़ जो है विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंच चुकी है, और पहले से यहां पर छात्रों को रोकने के लिए देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग करके तैयारियां की गई है, और यहां से पुंदा की तरफ छात्रों को जो है मोड़ दिया गया और जाने के लिए कहा जा रहा है। अब देखना होगा कि छात्र उस तरफ जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं। तो पहले से पुलिस की तैयारी थी कि छात्रों को जो है यहाँ से भेज देना है पुंदा की तरफ, लेकिन यहाँ जिस तरह से बैरिकेडिंग करके रोका गया है ताकि छात्र जो है वह विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए। आप सभी को पता है कि नियोजन नीति रद्द होने के बाद छात्रों का जो आक्रोश है वो बड़ा है, और ये लगातार जो है वो किस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये सड़क पर ही जहाँ पर पुलिस ने उन्हें रोकी है वहीं पर वो आंदोलन शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर हटिया के डीएसपी राजा मित्रा खुद से कमान संभाले हुए हैं, और वो ये थ्री लेयर बैरिकेडिंग के उस पार हैं कि किसी भी तरह से जो छात्र हैं जो युवा हैं उन्हें विधानसभा की तरफ कूच होने नहीं देना है। आप देखिए कि ये भीड़, और ये भीड़ का गुस्सा देखकर आप समझ सकते हैं कि जो आक्रोश है वो अब धीरे धीरे छात्रों का बढ़ रहा है, और पुराना विधानसभा से शुरू हुई उनकी रैली जो है अब विधानसभा के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन यहां पर पुलिस के द्वारा उन्हें रोक दिया गया है और यहीं पर वो धरना पर बैठ गए हैं। क्या बोल रहे हैं? रोजगार काहे नहीं दे रहे हैं हम सोरेन, घर में घुसल हैं, विधानसभा से बाहर निकल के देखा मैं। कहां से आए हैं आप? पलामू से। क्या बोल रहे हैं? अलूल जलूल नियोजन नीति काहे बनाते हैं, जब महाधिवक्ता लोग सलाह देते हैं लो विभाग इनके पास काहे ला है, इनको सोच समझ कर नियोजन नीति लाना चाहिए। अब एक वर्ग विशेष को टारगेट कीजिएगा तो कहाँ से बहाली दीजिएगा, नियोजन नीति रद्द ना होगा, बात को समझना चाहिए। हम इनके बाप माई सोच रहे कि बेटा के कब ब्याह करब, हम ऐसे ही रह जाऊं, नौकरी लग तब ब्याह शादी करब। हम लोग क्या हुआ, शादी नहीं लग रही है? शादी लग रही है, मेरे कहाँ से खिया भाई पिया भाई, जब कमाबे तब ना नौकरी मिलते ही टाइम लगे तब ना। कहे तीन साल हो गए, संविधान कई दिन में बनल रहे, दो वर्ष ग्यारह महीने अठारह दिन में बनल रहे। पीछे चल, पीछे बोलते मुख्यमंत्री तो बोल ही रहे हैं कि मुर्गा पालिए और ये सब। तो मुर्गा पाली हम बी ए ग्रेजुएशन एम बी ए कह रहे हैं, किस लिए किए हैं? शिक्षा मंत्री बैल है, आठवां पास है, अलूल जलूल बयानबाजी देते रहता है, युवा लोग डिप्रेशन में चला जाता है। मुख्यमंत्री जी कही थे कि वैकल्पिक विचार कर रहे हैं ना, तो कब करी है जब हम इनकी उम्र पार हो जाए, पाँच बरस की एज रिलैक्सेशन दी है, बाद में तो ऐसा बोलिए ना रहे हैं। नहीं देंगे, बोलने से क्या होगा, बोलने से क्या हो जाएगा? अगर हमारे मुख्यमंत्री बीएनडब्ल्यू कार से चलते हैं और यहाँ के छात्र का साइकिल से चलने का औकात नहीं है, आपके यहाँ संवैधानिक सुविधा है, हमारे पास ये क्या सुविधा है? आप अपने मित्रों के लिए फॉर्चुनर कार दे रहे हैं, पाँच पाँच करोड़ का बिल्डिंग दे रहे हैं, हम लोग के माँ बाप कितना दिन पालेंगे पोसेंगे, कितना दिन कहते रहेंगे कि हम 30 साल तक तुमको खिलाते पिलाते रहे? ये सरकार का मंशा है कि अगर इनको 1932 लागू करना था तो पहला कैबिनेट में कहा नहीं लागू किए थे, यही सदन में, यही सदन में बोलते हैं, यही सदन में बोलते हैं कि 1932 लागू हम नहीं कर पाएंगे। जब उनको लगा कि अब ये हमारा जो उच्च न्यायालय से हम नियोजन नीति हार रहे हैं, उसके बाद मेरा क्या होगा, तो उठा के ढकेल दिए। अब इनके पास अब तो आपका इनके पास इतना फंडिंग है कि ये खतियानी जो हार यात्रा निकालते हैं और कहते हैं कि रघुबर दास का पाप नहीं धोएंगे, ये इंसान हम बोल रहे हैं 25 साल मेरे तैयारी करने में आए थे, आज मेरा 31 साल चल रहा है, हमारा का उम्र लगा है, आप तो फिर मुख्यमंत्री बनिएगा, हम लोग कहाँ से होगा, कौन लड़की देगी? समाज में भी लोग यही पूछता है कि शादी ब्याह हो कब करोगे, कब करोगे, दरवाजा पे कोई आता तक नहीं है। नौकरी मिलेगा तबे शादी ना भैया, तो इतना दिन समाज देगा तब ना कोई लड़की देगा। हाँ, बेटी तो बेगारी नहीं ना है। बायोम ने दिए है नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स, क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहाँ उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाए अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम हीनू एवं नगरा टोली रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in, like, share and subscribe.
www